तो नमस्कार, मैं आज आपके सामने आदित्य बिस्सा, और आज हमारे साथ में डॉक्टर मोना सरदार डूडी, जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। तो आज हम आपको बताएंगे कि चारकोल पेंसिल से कैसे हम रियलिस्टिक आइज जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए हम आज आपके सामने बात करते हैं रियलिस्टिक आइज के बारे में। तो आइए आज हम आपके साथ में स्टार्ट करते हैं चारकोल पेंसिल के द्वारा बनाई गई आइज। अब आईज बनाने से पहले, हम चारकोल पेंसिल्स यूज़ करने से पहले चारकोल पेंसिल्स के बारे में जान लेते हैं। ये चारकोल पेंसिल्स तीन तरीके की आती है, जिसके अंदर ये सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम, ये तीन पेंसिल्स होती है। इसे हम एक डार्क शेड लगाने के लिए और मर्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रियलिस्टिक उठाने के लिए हम चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रियलिस्टिक आइज़ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले हम एकदम सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करेंगे, एकदम लाइट ड्रॉ करने के लिए, जिससे केवल वो आपको शो हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसे एकदम लाइट ड्रॉ करेंगे एक बार, जिससे केवल आपको पता चले कि ये रियलिस्टिक आइज ड्रॉ हो रही है। इसमें अभी हम कुछ तरीके की शेड नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने एक लाइट ड्रॉ हो रही है। ये देखिए, आपके सामने ये तैयार है सॉफ्ट पेंसिल से ड्रॉ। अब इसके अंदर हम चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर देखिए चारकोल पेंसिल आइस के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा डार्क रहेगा। ये देखिए, इसको जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं, इस चारकोल पेंसिल्स को ऊपर से डार्क करते करते नीचे आप लाइट की तरफ लेके आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये लाइट की तरफ नीचे जा रहा है। अब हम इसको जहां आपको डार्क दिखाना है वहां पेंसिल डार्क चलाइए, और जहाँ आपको लाइट दिखाना है वहाँ आप इस पेंसिल को लाइट चलाइए। अब हम इस पेंसिल को बनाए हुए को रियलिस्टिक में उठाने के लिए एयरबर्ड का यूज़ करेंगे। ये देखिए, एयरबर्ड है। आप इसमें हर तरीके के, काफ़ी तरीके के शेड के लिए बाज़ार में आपको मिल जाएंगे, बट इसके अंदर आप एयरबर्ड यूज़ करेंगे, जिससे रियलिस्टिक उठाने के लिए ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। ये देखिए, ये देखिए किस तरह पेंसिल इससे मर्ज हो रही है। ये देखिए, ये पेंसिल मर्ज, जैसे जैसे आप जितनी अच्छी तरीके से इससे शेड लगाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रियलिस्टिक चीज़ बाहर आएगी। ये देखिए,
बस अपने हाथ को सॉफ्ट रखना है और जहां आप हार्ड चलाओगे वहां ये डार्क शेड लगाएगी। अब हमको इस आइज के ऊपर वाला हिस्सा और डार्क करना है, तो ये देखिए इसको थोड़ा और डार्क चलाइए यहाँ। ये देखिए जितना इसको आप डार्क चलाएंगे उतनी ये डार्क शेड लगाएगा। अब हम इसको वापस एयरबड से वापस मर्ज करेंगे। ये देखिए अब इस आइज को रियलिस्टिक दिखाने के लिए आप लोग सॉफ्ट पेंसिल की सहायता से एकदम हल्की और बारीक लाइंस दिखाएंगे जिससे कि एकदम आपको रियलिस्टिक आइज नज़र आए। ये मैं चारकोल पेंसिल कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये रियलिस्टिक आइज नजर आए। ये देखिए ये देखिए चारकोल पेंसिल की जो फिनिशिंग है और चारकोल पेंसिल का जो वर्क है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें हम जितनी बारीकी से जितनी अच्छी शेड लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका वर्क बाहर आएगा। अब मैं साइज की देखो पलके बनाऊंगा, तो इसके अंदर देखिए आप पहले आपको एयरबड की सहायता से केवल पलकों का आभास दिखाना है कि भाई यहाँ पलके बनेगी। ये देखिए अब हम चारकोल पेंसिल की सहायता से एकदम हल्के हाथ से इसकी पलके उठाएंगे, पीछे जाके पलके भारी हो जाएगी। ये देखिए पीछे जाके पलके आपकी भारी हो जाएगी। इस सहायता से आप ये देखिए इस तरीके से हम पलके उठाएंगे। अब हम यहाँ पे चारकोल पेंसिल से ये देखिए ये जो आइस के ऊपर का जो आभास है वो देखिए, ये देखिए ये आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब नीचे वाली पलके बनाने के लिए हम ये देखिए नीचे वाली पलके बनाने के लिए हम वही सॉफ्ट पेंसिल पहले यूज़ करेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करके नीचे वाली पलकों का जो आभास है
वो दिखाना है। ये देखिए, ये नीचे वाली पलकों का आभास आ गया। अब हम इसको वापस चारकोल पेंसिल से कहीं डार्क तो कहीं लाइट शो करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये कहीं लाइट तो कहीं डार्क हमने शो कर दिए। तो इस तरीके से आप चारकोल पेंसिल से रियलिस्टिक चीज़ बनाने के लिए इस चारकोल पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये चारकोल पेंसिल का वर्क है। इससे आप काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें, जैसे आपको पहले बताया गया था, उससे आप काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें बनाकर अपने कहीं भी रूम में, कहीं भी अपने आर्ट गैलरी में, कहीं भी स्केच बनाकर उसको आप शो कर सकते हैं।